गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट एंड आई एम गुड टू। सो आज है हमारा लास्ट डे इन प्रलीन। एक्चुअली हम लोग आए फेरी में थे इस आइलैंड पे, लेकिन हम लोगों ने फ्लाइट बुक की है वापस जाने के लिए, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी उस चीज़ की वजह से। एंड जो मौसम है आज बहुत ज़्यादा बारिश दिखाई है, तो पता नहीं क्या ही होगा। और थोड़ी सी आज पूरा दिन बारिश दिखाई है और अभी भी बारिश होके हटी है, सो यू नेवर नो। तो हम फ्लाई करने वाले हैं बैक एंड हम लोग 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। हमारी 10 बजे की फ्लाइट है, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे 8:15 के आसपास। एंड बस अभी फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे, चेकआउट करेंगे और फिर जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। सो दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे। मैंने सोचा कुछ आज हम लोग कलरफुल डालते, इतनी बारिश हो रही है तो आसमान से मैच हो जाते हैं आज। आसमान पानी हर चीज से मैच हो रहा है, पानी हर चीज से मैच हो जाते हैं। सो आई एम रेडी और आई एम गोना से बाय टू दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड दिस ब्यूटीफुल होटल। आई एम इन लव विद दिस आइलैंड, टू बी ऑनेस्ट इट्स सो ब्यूटीफुल। हमारी कार्ट आ चुकी है और अब हमारा सामान बैठ गया, तो अब हम भी बैठ जाते हैं। तो हम लोग बैठ चुके हैं कार्ट में और इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी चल रही है ना। ओ अरे यार, धूप आ गई। बस ये धूप ही नहीं मुझे पसंद, टू बी ऑनेस्ट। इसी की वजह से इतनी टैन हो गई हूँ मैं। हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे। पीछे आप देखो डिपार्चर लिखा हुआ है ना, ये है प्रलीन का एयरपोर्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्यूट सा है, छोटू सा होता है ना। ये देखो ऊपर सीलिंग कैसी की हुई है, ऐसे लग ही नहीं रहा आप एयरपोर्ट पे, लग रहा है बुआ आप एयरपोर्ट पे हो। सामने सी है, कोकोनट ट्रीज हैं और छोटे छोटे से हट्स के बीच में इन्होंने इतना सुंदर सा एयरपोर्ट बनाया है, छोटू सा और बहुत क्यूट है। अरे वाह, तो ये रहा हमारा प्लेन। तो ऐसी फीलिंग है कि चार्टर्ड प्लेन ही है अपना, छोटा सा। My name is Captain Kevin and myself, for some Samuja, I wish you a pleasant flight. It's a pleasure to have you on board. Please sit back, relax and enjoy the flight. सो हम लोग प्लेन में बैठ गए हैं एंड इतना छोटा प्लेन, मतलब तुमने देखा कभी नहीं, बहुत मजा आ रहा है। और हम दोनों को विंडो सीट मिल गई, मैं इधर हूँ और इधर है, क्योंकि इतना छोटा प्लेन है, दोनों को मिल गई हमें। ये रहा रचित, इसको बहुत मजा आया, तो ये बोल रहा है मेरी तो वीडियो बननी चाहिए, मुझे याद रखना है, ये बेस्ट राइड एवर, तो मुझे ये याद रखनी है। वो याद आ गई, बारिश हो रही है, फोटो। ओके, हम लोग पहुंच चुके हैं माहे फ्लाइट से और बारिश हो रही है बहुत तेज, तो फटाफट अंदर चलते हैं। सो अब हम लोग जा रहे हैं, हमें पिक करने आए हुए हैं, हम लोग अपने होटल जाएंगे और आई थिंक वो आ चुके होंगे या नहीं अभी पता चलेगा हमें। ओके, सो हम लोग पहुंच चुके हैं हिल्टन। इट्स फुल ऑफ ग्रीन, मतलब जैसे ही जो फर्स्ट इम्प्रेशन है यहाँ का, एक बार आप मेरे पीछे देखो, दीज आर विलाज और पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है आसपास पूरा का पूरा। सो हमारी यहाँ होने वाली है 3 नाइट्स, आप उसको 4 ही लगा के चलो, क्योंकि 4th डे पे भी हमारा 12 बजे है फ्लाइट रात को, वो भी
तो मतलब हमारे यहाँ पे फुल अच्छे वाले दिन है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. बहुत सही है ना. तो अभी हमारा रूम मिलने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि हम लोग यहाँ पर 10 बजे पहुँच गए थे एक्चुअली. एंड जो चेक इन टाइम है वो 3 बजे है, बट दे सेड कि आपका रूम अभी क्लीन हो रहा है तो आपको 1 बजे तक मिल जाएगा. तो तब तक हम लोग प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहे थे और देख रहे थे और ओ माय गॉड, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स. मतलब इतना ज़्यादा सुंदर एक एक जगह. आप इस जगह पे जा रहे हो, यहाँ फोटो ले लो, ये देखो ये कितना सुंदर, इसकी वीडियो बना लो, ये कर लो वो कर लो, मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत है सब कुछ. और ये देखो रचित अभी तक फ़ोन लेके, ये देखो यहाँ पे ये पेड़ है बहुत सुंदर, इसके आगे अभी हमने बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करवाई हैं. ये इतना ज़्यादा सुंदर ट्री है, मैं भी आपको दिखाती हूँ. और नीचे लोग ऑलरेडी ओशन में जा रहे हैं. एंड रुको मैं दिखाती हूँ, 1 सेकेंड. ये देख लो अभी मैं डेक पे बैठी हूँ पर अपने रूम का वेट कर रही हूँ. और यहाँ पे देखो लोग जा रहे हैं नीचे, पानी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और आधे लोग जा भी चुके हैं. तो ये इनका बीच है नीचे जो हम भी जाएंगे जल्दी. आप बस एक बार ये व्यू देखिए, लेट इट सिंक इन, राइट. अच्छा रचित को देखो जरूर, मोटू खा के मोटू हो गया, क्रोसॉन्ट खा के. सो ये ट्री देखो आप पीछे एक बार, ऑरेंज एंड ग्रीन, मतलब मुझे तो पता लगाना पड़ेगा किस चीज का ट्री है, इतना ज्यादा सुंदर. अभी हमने सोचा जब तक हमें रूम मिलते हैं हम प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलेगा. सो अभी हम लोग फर्स्ट बीच हमने देख लिया, हम सेकंड बीच देखने जा रहे हैं. तो चलो, मुझे रास्ता नहीं पता, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ. तो मुझे बीच का रास्ता मिल ही गया, तो यार चलो चलते हैं. हमने भी एक पूल विला ही हमने बुक करवाया है अपने लिए, बट अभी उसकी सफाई चल रही है. तो हम लोग दोनों सोच रहे हैं भगवान करे हमें ये वाला मिल जाए, क्योंकि इसके पास में ही प्राइवेट बीच का है एक्सेस. तो मतलब हमें बहुत ईजी हो जाएगा, रूम से निकले और सदर सीधा चलेगा, वरना कि धूप से आना पड़ेगा. सो ये है हिल्टन का मास्टर प्लान, लुक एट द पूल विलास, जो कि बिल्कुल कॉर्नर में जाकर है. वो हमें कौन सा वाला मिलेगा. तो इसके बगल में ही ये ट्री है, ये कैनन बॉल ट्री है और इतना सुंदर लगा मुझे, मतलब बहुत यूनिक लगा. सो हमें रूम मिल चुका है और अब हम लोग बैठे हैं बग्गी में और जा रहे हैं अपने रूम की तरफ. सो लेट्स सी इन्होंने हमें कौन सा रूम दिया है. हमारा विला मिल चुका है और आप देख सकते हो मैं पूरे डिफरेंट अवतार में हूँ अभी. हम लोग अच्छे से रेडी हुए क्योंकि बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज है. मतलब मैं और रचित तो ना ऐसे शॉक में हैं. आई थिंक मैं आपको बिहाइंड द सीन वीडियो भी दिखाऊंगी. तो हमें मिला है दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज. मतलब ऑब्वियसली रचित सरप्राइज देने में बहुत माहिर है, बट रचित को किसी ने बीट किया है. किसने बीट किया रचित को? हिल्टन प्रॉपर्टी ने. सो बिना किसी यू नो ज्यादा लेक्चर के और किसी चीज के, लेट्स टेक यू टू आवर विला.
सो ये रहा हिल्टन का मैप, जिसमें आप देख सकते हो सारे पूल विलाज हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा विला है आप देख सकते हो F नंबर, ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर विला है। और हमने करवाए थे छोटे वाले जो बगल में है ना, छोटे छोटे से, वो हमने करवाए थे, बट इन्होंने हमें दिया ये F नंबर वाला जो सबसे बड़ा विला है। इसमें यूजुअली सेलिब्रिटीज़, प्रेजिडेंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा वैसे वाले लोग आते हैं रहने के लिए, बट हमें सरप्राइज मिला। ओ माई गॉड, कम ऑन, गेट अप हियर एंड लेट्स डांस, कम ऑन। So this is the entryway जो हमें हमारे विला पे लीड करता है, and there's a camera too, which is good. We are here for 3 nights, मतलब 3 रातों के लिए हम यहाँ पे हिल्टन में हैं, and key card. I don't have it. कैच करना पीछे से. Welcome, come on. ओके, सो इट्स अ ह्यूज विला, लेकिन मैं आपको सबसे पहले लेकर चलूंगी इसके बेस्ट पार्ट पे, जिसको देखकर मैं और रचित कंप्लीटली शॉक्ड थे, और आप लोग भी होंगे डेफिनेटली। सो लेट्स गो टू द पूल डेक। So, आप एक बार मेरे पीछे पूल देख सकते हैं, कितना बड़ा पूल है ये इनकी प्रॉपर्टी में। ये सिर्फ एक विला है जिसमें इतना बड़ा पूल है। आप पीछे देख सकते हैं पूरी फुल सी है। एक्चुअली हमने जो रूम बुक करवाया था, हमने विद पूल ही करवाया था 3 nights के लिए, बट वो छोटा वाला था। बट इन्होंने हमारे लिए ये विला स्पेशली अरेंज किया हमारे हनीमून के लिए, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट डाली दैट वी आर कमिंग फॉर आर हनीमून, एंड दे गेव अस दिस अमेजिंग सरप्राइज। आई एम सो हैप्पी। तो आप एक बार इसके ना अच्छे अच्छे शॉर्ट्स देखो, मतलब आप हिल जाओगे। सो यहाँ पर है बू माउस। बू, क्या फील हो रहा है? पहले तो आप ये बताओ मुझे, रुको 0.5 में करती, दिस इज आवर विला। बू, कैसा लग रहा है? मैं वैसे सरप्राइजेस बहुत देता हूँ, सरप्राइज मिलते बहुत कम है, नो ऑफेंस, पर मैं आज इतना ज्यादा सरप्राइज हूँ मैं बता भी नहीं सकता। लाइक मतलब मेरे को पता चल रहा है क्या लुफ्त होता है सरप्राइज मिलने का, है ना? माय गॉड, आई नो, आई नो। और अब बारिश भी लग गई है, देखो बारिश, जब मैं खुश होता तो बारिश लग जाती है। जो हमको इस समय मिला है, मतलब हमको समझ ही नहीं आ रहा है इसको यूज कैसे करें। एग्जैक्टली, इतना ह्यूज है, इसमें यहाँ बैठे है, वहाँ बैठे है। वहाँ पे है ब्रेकफास्ट, आउटडोर ब्रेकफास्ट के लिए सिटिंग, वहाँ पे नॉर्मल सिटिंग, एक सिटिंग यहाँ पर है, और जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ गजीबो है। मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ यार। अच्छा, उधर पीछे से हमारा रूम खुलता है, यस, इधर से हमारा ड्राइंग रूम खुलता है, और इधर से हमारा सेकंड रूम खुलता है, और इधर से सेकंड रूम खुलता है। हमको 2 bedroom दे दिया। मेरे को हो रहा था कि अगर हमारी लड़ाई होगी तो फिर हम अलग अलग नहीं सुन लेते। या जरूर जरूर जरूर। रजत, आपने वो बिहाइंड द सीन शूट किए थे जब हम लोग आए थे, एंट्री की थी हमने, थोड़े बहुत किए थे ना, मैं जरूर वो ऐड करूंगी कि जब हम लोग आए थे और जब हमें सरप्राइज मिला था तुम्हारे एग्जैक्ट रिएक्शंस क्या थे। वाओ, ओह माय गॉड, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, ऑनेस्टली आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, ओह माय गॉड, दिस इज ग्रेट, यू कैन चेक इट आउट, दिस इज ग्रेट, आर यू श्योर दिस इज द राइट रूम? दिस इज योर, ओह माय गॉड, this is huge, this is huge, oh my god, I can't, oh my god, out of phone, so I will try to add that। to ab aapko lekar chalte hain andar, hai na, andar ka bhi to dekhna banta hai na, chale, yes let's go। सो वेलकम टू आर विला। अब आप अंदर आ जाइए, आपको इतना अच्छा मैंने पूरा बाहर का दिखा दिया, अब अंदर का भी दिखा देती हूँ मैं। सो दिस इज आवर लिविंग रूम। मतलब पहली बार जिंदगी में ये वर्ड भी निकल रहा है मुंह से कि अपने होटल में जाके यू हैव योर लिविंग रूम। तो जैसे ही हम लोग आए, अब कॉम्प्लीमेंट्री चीजों का जो मजा है ना, किसी चीज का नहीं है। ये देखो फ्रूट्स, हेल्दी, यू नो, ग्रेप्स एंड ऑल दैट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज कुकीज, वेरी फेमस बनाना चिप्स, और उसके साथ उन्होंने हमें दी है ये स्पार्कलिंग वाइन। मतलब और ये देखो कितने क्यूट क्यूट ग्लास, मैं सोच रही हूँ ऐसे ऐसे ग्लासेस ना अपने घर पे रखते हैं ना।
एक और बेडरूम है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम जो अभी जिसमें हम लोग रहेंगे। This is our bedroom. I don't think so. Video इतना justice कर रही होगी जो मुझे अभी देखने को मिल रहा है. It is amazing. और ये देखो इन्होंने इतनी cute decoration की है यहाँ पे. Happy honeymoon. Thank you so much. Looks pretty. बिगेस्ट बाथरूम एवर, या कम ऑन। सो हमारे पास है सेंटर में जकूजी, ये पूरा जकूजी है अच्छे वाला, मेरे को जेट्स वगैरह दिख रहे हैं इसमें पूरे, मेरे को समझ नहीं आ रहा पूल में जाऊंगी मैं जकूजी में जाऊंगी मैं पब्लिक वाले में मैं कहां कहां जाऊंगी, थोड़ी कंफ्यूजिंग। और यहाँ पे है हमारे पास रेन शावर, सो दिस इज आवर शावर एरिया, यहाँ पे हमारे पास रेन शावर और यहाँ से इतना खूबसूरत व्यू। This is our vanity, his and hers. और अब मैं लगाऊंगी फूल। Okay, so मैं भी सोच रही हूँ मैं बहुत सारी pictures क्लिक करवाना चाहती हूँ यहाँ पे, बट अभी sundown होने वाला है तो रोशनी थोड़ी कम है, तो कल होगा फोटो शूट, कल बनेंगी videos, जितना मैं बना पाऊंगी और उससे ज्यादा होगा enjoy. So अब बारी है bedroom number 2 की, जो similar to this है but उसका जो bathroom का view है, जो whirlpool से उसका view आता है, amazing. Let's go. So this is bedroom number 2, similar to master bedroom, बहुत ज्यादा सुंदर है, colorful, colorful और इसका bathroom amazing है जो हम दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आया है, उसमें सिर्फ एक चीज की वजह से, दिखाओ। पीछे का व्यू देख सकते हो फुल ऑफ ग्रीन, और जो ये रॉक्स आप पीछे देख रहे हो ये नेचुरल वाले जो आपको बीचेस पे दिखा रही थी ना हर जगह, वो हमारे विला के बाहर है, कैन यू बिलीव इट। और इस व्हर्लपूल में बैठो आप और एंजॉय करो, क्या करो बोलो भू, एंजॉय, ओह यस एंजॉय, ओके टाटा, दिस इज अस, वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी, थैंक यू हिल्टन एज़ वेल, यस थैंक यू सो मच, लाइक मैं बिलीव नहीं कर सकती कि उन्होंने इतना किया हमारे लिए, exactly, हमको समझ नहीं आता क्यों किया, और टू बी ऑनेस्ट 15-20 मिनट तक तो हम ऐसे बैठे थे कि हमारा ही है ना, मतलब हम कंफर्म कर ले, हमने 2-3 बार कॉल भी की कंफर्म करने के लिए, बट इट इज आवर्स फॉर 3 नाइट्स, कैन यू बिलीव इट, 3 नाइट्स के लिए, 3 नाइट्स।